नमस्कार दोस्तों, आज के शुरू में तुमको बताने जा रहा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम में किसी भी टेम्प फाइल को कैसे डिलीट करें। टेम्प फाइल का मतलब आपने देखा होगा, हमारा सी डिस्क बहुत सारा फुल हो जाता है, उसका एक ही रीज़न है टेम्प फाइल। टेम्प फाइल का मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसका जो कोई टेम्प्स होता है, कचरा होता है, वो उस टेम्प्स फाइल में जाता है और हम उसको देखते ही नहीं, डिलीट ही नहीं करते, इसलिए उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मानो आपका कंप्यूटर इसलिए कोई हैंग हो सकता है। तो आज के वीडियो के मैं उसको कि कैसे डिलीट करना है वो बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं टेक्निकल रूम और मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम में विंडोज और आर का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको लिखना है टेम्प, लिखने के बाद इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद आपको इस सारे फाइल्स को कंट्रोल यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको उसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई ऐसी फाइल्स होती है जो डिलीट नहीं होती, तो आपको उसको डिलीट मत कीजिए। उसके बाद और एक तरीका है दूसरे टेम्प फाइल को कैसे डिलीट करें, आपको फिर से विंडोज़ और आर का बटन प्रेस करना है। वहाँ पर आपको लिख देना है परसेंटेजेस टेम्प और फिर से परसेंटेजेस और आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको भी यहाँ सारे बहुत सारे टेम्प फाइल मिलेंगे। हम देखते हैं ये टेम्प फाइल की प्रॉपर्टी कितनी है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए दबाता हूँ, आप देख सकते कितनी सारी टेम्प फाइल है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कॉल करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी टेम्प फाइल निकली। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं सारी के सारे टेम्प फाइल डिलीट हो गई है। फिर से विंडोज़ और आर का बटन प्रेस करना है। विंडोज़ और आर का बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है प्रीफ्रेज। प्रीफ्रेज लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस सारे के सारे टेम्प्स फाइल को डिलीट कर देना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ टेम्प फाइल ऐसे होते हैं जो डिलीट नहीं होती। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।